वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमें जो टॉपिक देखना है, फंक्शनल डिपेंडेंस टॉपिक देखना है, ठीक है? तो फंक्शनल डिपेंडेंस में क्या होता है एक्चुअल में, ये आता है 6 मार्क्स के लिए एग्जांपल्स। ओके, अभी गिवन क्या होगा वो हम देखेंगे। यू इज इक्वल टू F1 XY और V इज इक्वल टू F2 XY। इसका मतलब क्या है? यू का वैल्यू आएगा एक्स और वाई में, या वी का वैल्यू आएगा एक्स और वाई में। समझ रहा है? अभी ये करने के बाद जैसे आप जैकोबियन करते थे उसी तरह जैकोबियन का हमें यूज़ करना है, ठीक है? लेकिन उसका आंसर हमारा आना चाहिए 0। ओके, अज्यूमिंग द रिलेशन ऑफ दिस टाइप एफ ऑफ F1 F2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग करते जाना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली। तो डैबा एफ बाई डैबा एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, डैबा एफ बाई डैबा वाई इज इक्वल टू 0। और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जैकोबियन, देखो हमने लास्ट जो टॉपिक देखे उनमें देखा था डैबा F1 F2 बाई डैबा XY लिखना होगा, या अगर आपके पास F1 इज इक्वल टू एग्जाम्पल रहेगा या F2 इज इक्वल टू एग्जाम्पल रहेगा। तो मान लो अगर आपका इस तरह आता है डैबा UV बाई डैबा XY, तो उसका आंसर आपका आना चाहिए 0। कुछ भी करो आप, उसका आंसर लाते आना चाहिए आपको 0। जब आपका आंसर 0 आ जाएगा उसको बोला जाता है फंक्शनली डिपेंडेंस। जब फंक्शनल डिपेंडेंस हो जाएगा तो आपको निकालना होता है रिलेशन, जो कि हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है? तो फंक्शनल डिपेंडेंस अगर निकालोगे उसका मिलेगा आपको 3 मार्क्स, और रिलेशन निकालोगे आप लोग तो उसको मिलेगा आपको 3 मार्क्स और आपका मिलेगा 6 मार्क्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको पासिंग के हिसाब से आप सोच रहे हो तो, ठीक है दोस्तों? तो अभी हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, असर्टन। असर्टन क्या है? वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर फंक्शनली डिपेंडेंट है। अभी देखो समझ जाना चाहिए आपको कि आंसर आना चाहिए 0। ओके, जब आंसर 0 आता है तो हमें रिलेशन निकालना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो यू दिया है हमें, आप देख सकते हो यू इज इक्वल टू X+Y/1 - XY दिया है। वी इज इक्वल टू दिया है tan-X + tan-Y, ठीक है? तो अभी आपको मोटा मोटी समझ में आ चुका है कि आपको करना क्या है। देखो अभी u भी किस में है, x और y में, और v भी किस में है, x और y में। तो आप कैसे लिखोगे? अभी j लिखोगे, बराबर, बाद में डैबा करोगे, u और v लिखा जाएगा, डिवाइड बाय क्या करोगे, डैबा x और y, समझ रहा है? इज इक्वल टू, अभी आप डिटर्मिनेंट ऐसा बनाते हैं, बराबर है? तो पहला क्या लिखोगे, u x। हमने पिछले सारे टाइप्स में ये देख लिया है। अगर आप डायरेक्टली फंक्शनल डिपेंडेंस टॉपिक कर रहे हो तो वो काफ़ी हार्ड होगा, इसलिए पहले 4 टाइप जो किए उसको आप पहले देखो, ठीक है? बाद में यू वाई होगा, वी एक्स होगा, वी वाई होता है, बराबर है? तो यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स से, यू को वाई से, वी को एक्स से, वी को वाई से, और जो आंसर आएगा उसका क्या करना पड़ता है अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर यू लिखा है, यू इज इक्वल टू X+Y/1 - XY। तो अभी आपको यू को डिफ्रेंशिएट किससे करोगे, एक्स से करोगे, बाद में यू को किससे करोगे, वाई से। तो हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है? देखो अभी यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, डैबा डैबा यू बाई डैबा एक्स। ओके, मैं आपके लिए थोड़ा हेल्प करता हूँ। यू इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ X+Y/1 - XY, ऐसे आप यू अपॉन भी लगा सकते हो, ठीक है? तो देखो अभी आप, 1 - XY मतलब ये V हो गया ना, तो V लिखा हमने, U ओपन भी चल रहा है। X का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू X क्या होगा, 1, इसलिए लिखा हमने 1। और Y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू X क्या होगा, कॉन्स्टेंट, तो 0 हो गया, माइनस, बराबर है? ऊपर वाला न्यूमरेटर X+Y लिख दिया है, ओके, इनटू ब्रैकेट में, ठीक है? 1 का डेरिवेटिव, 1 कॉन्स्टेंट है तो उसका क्या होगा, 0 होगा, बराबर है? और XY का डेरिवेटिव क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू X कर रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू X कर रहे तो इसका क्या होगा, 1, तो बचेगा कौन, -Y, ठीक है? डिवाइड बाय 1 - XY ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है, आया समझ में? अभी अभी आप देखोगे, ठीक है? अभी हमें मल्टीप्लाई करना है, अभी आपको मल्टीप्लाई समझना चाहिए, मल्टीप्लाई किस तरह कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखो ये जो -Y, ये -, क्या होगा, पहले तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? अभी वाई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, तो क्या होगा, +XY हो जाएगा और +Y² आएगा, 1 - XY रहता है। अभी -XY + XY कैंसिल होगा तो बचेगा कौन, 1 + Y² / 1 - XY का ब्रैकेट स्क्वेयर, ये आपने निकाला डैबा U/डैबा X, बराबर। अभी आपको डैबा U/डैबा Y निकालना है, समझ रहे हैं? फिर से देखो, अभी ये मैंने लिखा यहाँ पर,
सबसे पहले अभी थोड़ा अलग वे से, डिनोमिनेटर पहले स्क्वेयर आ जाएगा यू अपॉन वी, तो वन माइनस एक्स वाई का ब्रैकेट स्क्वेयर लिखा, अभी वी लिखा, वन माइनस एक्स वाई लिखा, ओके। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, वन, बराबर है, माइनस एक्स प्लस वाई लिख दिया, ओके। वन का डेरिवेटिव, वन कॉन्स्टेंट है तो उसका क्या होगा, जीरो, बराबर है, माइनस एक्स वाई, ध्यान दो माइनस एक्स वाई है। सो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, वन, तो बचेगा कौन, माइनस एक्स बचेगा, आ रहा है समझ में। देयरफॉर अभी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, अभी अपना काम हो गया है। सो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आप लोग, तो ये माइनस और माइनस के साथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर है, अभी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, और ये क्या होगा, प्लस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जाएगा, बचता कौन है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, तो ये कौन आया, डैबा वी बाई डैबा यू बाई डैबा वाई आपने निकाल लिया। अभी देखो v इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख दिया है, उसको डिफ्रेंशिएट करना x से, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स y कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा, जीरो, तो आंसर आ गया। अभी डैबा v बाई डैबा वाई करना है, tan इनवर्स x कॉन्स्टेंट है तो उसका क्या होगा, जीरो, और tan इनवर्स y का वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो डैबा v बाई डैबा वाई आता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो अगला स्टेप में ये सारी वैल्यूज हम लोग रखेंगे आप, ठीक है, ये u v किस में, x और y में, तो वो नॉर्मल लिखा है, जैकोबियन जे डैबा यू बाई डैबा एक्स वाई, सेम डैबा यू बाई डैबा एक्स इंटू डैबा यू बाई डैबा वाई, डैबा यू बाई डैबा एक्स, डैबा यू बाई डैबा वाई। अभी डैबा यू बाई डैक्स का वैल्यू हम लोग पीछे से लिखेंगे, तो ये आया रिस्पेक्टिव वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू, एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उनमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है वो देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह वैल्यू आप लोग लिखोगे, सिर्फ लिख दो आप लोग, ठीक है, एक प्लस आएगा पूरा और एक माइनस आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आता है, जीरो। और जीरो आ गया तो उसको बोला जाता है फंक्शनल डिपेंडेंस, ओके। जब फंक्शनल डिपेंडेंस हो जाता है तो हमें रिलेशन निकालना होता है, मैंने यू लिख दिया और वी लिख दिया, ओके। अब ये रिलेशन निकालना मतलब क्या, रिलेशन निकालना यू और वी के अंदर, ओके, मतलब यू और वी आमने सामने दिखने चाहिए, ऐसा एडजस्टमेंट करके आना चाहिए कि यू और वी आमने सामने दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको पता है टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी होता है टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ठीक है। देयरफॉर देखोगे आप लोग तो टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स वाई को लगाया मैंने, क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, बट दिस वैल्यू वॉज नथिंग बट द यू, तो यू लिख दिया, ओके। अभी टैन इनवर्स लेफ्ट हैंड में जाएगा तो क्या होगा, टैन वी हो जाएगा, टैन वी इज इक्वल टू यू, एंड देयरफॉर यू इज इक्वल टू टैन वी, एंड दैट इज नथिंग बट द आंसर, ओके दोस्तों। तो आपको यहाँ तक समझा है अच्छे से, अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर टू की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर टू है, अभी आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर टू, असर्टन वेदर द फॉलोइंग फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शंस क्या फंक्शन डिपेंडेंट है, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सेम मैंने दिया है आपको, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क करके दिया है, यू है एक्स और वाई में और वी भी अपना एक्स और वाई में, तो u लिखा है, ठीक है। अभी डैबा यू बाई डैबा एक्स करेंगे तो सेम u अपॉन v करा जाएगा, तो वन डिनोमीटर में वन प्लस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है, बराबर है, वन प्लस एक्स वाई लिखा है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, और y कांस्टेंट है तो जीरो, माइनस x माइनस वाई लिखा है, वन का कांस्टेंट है तो जीरो, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे ना, तो क्या रहेगा, y रहेगा। ओवरऑल देखो वन प्लस एक्स वाई मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अभी y से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई लिखा जाता है यहाँ पर, बराबर है, और माइनस प्लस हो जाता है और वाई स्क्वायर आता है, तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल होगा, तो ओवरऑल बचता है वन प्लस वाई स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। डैबा यू बाई डैबा एक्स आया, वैसे क्या निकाला जाएगा, डैबा यू बाई डैबा वाई, सो डैबा यू बाई डैबा वाई भी उसी तरह से रिस्पेक्टिव निकाला गया, देयरफॉर डैबा यू बाई डैबा वाई का वैल्यू आता है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस वन प्लस एक्स वाई ब्रैकेट स्क्वायर। अभी वी देखेंगे आप लोग, वी इज इक्वल टू क्या है, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, देयरफॉर डैबा यू बाई डैबा एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है, बराबर है, सो डैबा यू बाई डैबा एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आया, मतलब टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आता है ना, वैसे ही डैबा यू बाई डैबा वाई निकालोगे, टैन इनवर्स एक्स कॉन्स्टेंट है जीरो, टैन इनवर्स वाई का वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर होता है। नाउ जैकोबियन डैबा यू वी बाई डैबा एक्स वाई मॉड करा जाएगा, डैबा यू बाई डैबा एक्स, डैबा यू बाई डैबा वाई, डैबा वी बाई डैबा एक्स और डैबा यू बाई डैबा वाई लिख दिया,
रिस्पेक्टिव वाली लिखा जा रहा है। अभी लास्ट एग्जांपल का आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100% क्या होगा, जीरो ही आने वाला है, बराबर है। तो क्रॉस करोगे तो प्लस माइनस करंट आएगी एंड दैट विल बी जीरो, फंक्शनली डिपेंडेंट। नाउ अगेन वी इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। सो एज वी नो टैन इनवर्स, ये देख सकते हो टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी, टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए भी लिखा जाता है। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी यू की, तो यू लिख दिया। सो टैन इनवर्स अगर उधर गया तो टैन वी हो जाएगा, टैन वी इज इक्वल टू यू, तो यू इज इक्वल टू क्या आता है, टैन वी, दैट इज नथिंग बट द आंसर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर टू होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरफ हम एग्जाम्पल नंबर थ्री देखेंगे। अभी एग्जामाइन फॉर द फंक्शनल डिपेंडेंस यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया है, ओके। और वी इक्वल टू क्या दिया है, एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम इफ एग्जिस्ट, ओके। उनमें रिलेशन निकालना। अभी हमने पिछले दो एग्जाम्पल में देखा है, उससे आपको बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं, ओके। क्या करोगे आप लोग, अभी तो ऊपर से समझ रहा है ना कि u किस में आपका x और y में, v भी किस में है x और y में, ओके। तो अभी आपको पता है डैबो यू बाई डैबा x निकालेंगे, डैबो यू बाई डैबा y निकालेंगे, डैबो यू बाई डैबा x, डैबो यू बाई डैबा y, ओके। नाउ सो विल लुक, डैबा यू बाई डैबा x डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। डैबा यू बाई डैबा y कर रहे तो साइन इनवर्स x दैट इज जीरो, साइन इनवर्स y का वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ओके। डाबा वी बाई डाबा एक्स करा जा रहा है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रे वन, सो अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई है, ओके। अंडर रूट, अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ऐसे होता है। सो अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा, देखो टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, क्लियर। सो अगली स्टेप क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है। नेक्स्ट डाबा यू वाई डाबा वाई करना है, ओके। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कैसे होगा, देखो फिर एक्स एज इट इज, क्योंकि अभी वाई से कर रहे, अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर क्या रहेगा, वन अपॉन टू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ओके ना। और वन का जीरो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का माइनस टू वाई प्लस, अभी वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे तो वन हो गया, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ओके। नेक्स्ट ये हमारी चारों वैल्यूज आ गई, अभी उठा के क्या रखोगे, हम लोग जैकोबियन में रखेंगे, ठीक है। सो जे इज इक्वल टू डैबा यू बाई डैबा डैबा यू वी अपॉन डैबा एक्स वाई, देयर फोर डैबा यू बाई मॉड में करा जाएगा, डैबा यू बाई डैबा एक्स डैबा यू बाई डैबा वाई डैबा डैबा वी बाई डैबा एक्स डैबा यू बाई डैबा वाई, रिस्पेक्टिव वैल्यूज रखेंगे, उतना आपको पता है। रिस्पेक्टिव वैल्यू रखोगे रखोगे एडजस्टमेंट पक्का होता है ऐसा एग्जाम्पलों का, कि एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा कैंसिल होगा तो आंसर आएगा आपका जैकोबियन। तो आप इसको क्या बोलोगे, फंक्शनल आर डिपेंडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंट। जब फंक्शनल डिपेंडेंट होगा तो अभी हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिलेशन देयरफॉर थोड़ा सा अभी सोचना पड़ेगा, यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा मान रहा हूँ, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बीटा मान रहा हूँ। तो साइन इनवर्स अगर राइट हैंड में आया तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन अल्फा। साइन इनवर्स राइट हैंड में आया तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन बीटा, ओके। v इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू रखी है तो वो वैल्यू मुझे आपको बताना है, ठीक है। क्या आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहता है वन, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू अगर हमने साइन बीटा रखा, ठीक है। सो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या रहेगा, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बीटा, तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा मतलब वो क्या आएगा, सिर्फ कॉस आएगा क्या, देखो मैं अलग कलर में लिखता हूँ अभी हम, तो आपको जल्दी समझेगा। तो ये क्या आया, कॉस बीटा, ओके। अभी यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर क्या रखा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और अंडर रूट में तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कॉस अल्फा, ठीक है ना। अभी ये होता है बाद में इसका जो ये है, ये जो आप देख रहे हो ये एक्सपांशन है ना, किसका एक्सपांशन है, देखो क्या आपको पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी रहता है, ओके। सो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिखा, ओके। देयरफॉर साइन अगर इधर आया, या ये स्टेप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो अल्फा का वैल्यू लिखा जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और बीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ वाई। जब साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा डायरेक्टली यू, क्योंकि वैल्यू आता है एक्स प्लस वाई का। तो ओवरऑल आंसर क्या होता है, वी इज इक्वल टू साइन ऑफ यू,
ठीक है दोस्तों। अभी अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर फोर। एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है वो हमें देखना है। देयरफॉर इफ यू इज इक्वल टू, अभी आपको ऐसा एग्जाम्पल देख के पता चल जाना चाहिए किसमें एक्स वाई जेड में, ये किसमें एक्स वाई जेड में, ये किसमें एक्स वाई जेड में। आपको करना क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट ला के बताना है, अगर है तो रिलेशन निकालो। तो अभी आपको पता है जैकोबियन लिखा जाता है, डेबा यू वी डब्ल्यू बाई डेबा एक्स वाई जेड भी लिखा जाएगा, डेबा यू बाई डेबा एक्स डेबा यू बाई डेबा डेबा वी यू बाई डेबा जेड, रिस्पेक्टिव हर वैल्यूज लिखी जाएगी। ओके, अभी आपको यही से पता चल जाना चाहिए, ठीक है। यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मान लो मैं यू एक्स लिख रहा हूँ, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का क्या होगा वन, ओके ये हो गया। यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे तो वाई का क्या हो जाएगा वन, और जेड से कर रहे तो वन, ये आ गया आपका यू एक्स यू वाई और यू जेड, ओके वाई और जेड वाला, ओके शॉर्टकट बता रहा हूँ। बाद में वी एक्स वाई और जेड करना है, ठीक है, आगे आपको दिख जाएगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन के सामने करके दे रहा हूँ। वी को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई और जेड स्क्वायर का टू जेड, क्लियर। अगला क्या आता है, अगला आता है डब्ल्यू जेड, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो फिर ये लिखा है मैंने, मतलब जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज कर दी। अभी हमने टाइप नंबर वन, टाइप नंबर टू, टाइप नंबर थ्री देखा था, टाइप नंबर फोर देखा था, है ना, स्टार्टिंग के लेक्चर्सों में। तो वापस सी वन माइनस सी टू करते थे, सी टू माइनस सी थ्री करते थे, जिससे आंसर हमारा आता है, ओके। ऑब्जर्वेशन और एक होना चाहिए, ये आपको दिख रहा है रो, क्या आपको यहाँ पर टू कॉमन दिख रहा है, तो पूरे रो में से बाहर निकला जाएगा टू, तो टू बाहर आ गया, तो अंदर एक साथ सी वन माइनस सी टू कर रहे, सी टू माइनस सी थ्री कर रहे, तो आपको ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलेगी, वन माइनस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो, ओके रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलेगी। तो आपको यहाँ से और पता चलना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए कि यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई है यहाँ पर, बराबर, और इधर क्या है वाई माइनस एक्स, तो मुझे इसको भी एक्स माइनस वाई करना है, तो क्या माइनस निकाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर माइनस निकाला। वैसे ही जैसे यहाँ पर वाई माइनस जेड है, यहाँ मुझे वाई माइनस जेड करना है, तो माइनस बाहर निकाल सकता हूँ, निकाल दिया, निकाला। अभी आप ये पूरे कॉलम को ऑब्जर्व करो, क्या एक्स माइनस वाई पूरे इसमें से कॉमन आ जाएगा, आ गया, y माइनस जेड भी बाहर आ गया, आ गया, तो आपकी टर्म्स रिस्पेक्टिव बच जाती है। अभी एक प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेंट का, अगर डिटरमिनेंट में दो कॉलम अगर स्टार्टिंग में जीरो है, या आप सॉल्व भी करोगे डिटरमिनेंट का थ्री बाई थ्री का, तो ओवरऑल आपको आंसर गारंटेड जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है जीरो, तो फंक्शनली डिपेंडेंट हो गया, तो आपका काम हो गया। यहाँ तक आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा तीन मार्क्स। आगे आगे होगा रिलेशन निकालना है। देयरफॉर यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड में अगर किया है तो, नहीं किया है तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वेयर अगर होगा तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी लिखा जाता है प्लस ट्वाइस बी सी लिखा जाता है प्लस ट्वाइस सी ए लिखा जाता है। दिस आर द फॉर्मूलाज एंड दिस आर द वैल्यूज, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव प्लस जेड स्क्वेयर टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, ओके। तो इन तीनों में अगर आप देख रहे हो तो टू कॉमन दिख रहा है आपको, जैसे टू दिखता है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बच जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू, एंड दैट इज नथिंग बट द रिलेशन एंड दैट इज द आंसर, दिख रहा है आपको, ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, एग्जाम्पल फिफ्थ आप लोग देखोगे, तो एग्जाम्पल फिफ्थ में क्या है, अभी लास्ट एग्जाम्पल जैसा ही, ठीक है। यू किस में है एक्स वाई जेड में, वी किस में एक्स वाई जेड में, डब्ल्यू किस में एक्स वाई जेड में, ये आपको फिर से बताना है, फंक्शनल डिपेंडेंट है, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। जैकोबियन लिखा जाएगा, डेबा यू वी डब्ल्यू बाई डेबा एक्स वाई जेड भी लिखा जाएगा, सेम आपको आपको समझ रहा है क्या होता है ना। और आगे अभी हम लोग रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू को एक्स से कर रहे वन, यू को वाई से कर रहे वन, यू को जेड से कर रहे माइनस वन, तो नीचे लिखा है। वी को एक्स से कर रहे वन आएगा, वी को वाई से कर रहे माइनस वन आएगा, वी को जेड से कर रहे वन आया, क्लियर ना। और डब्ल्यू को एक्स से कर रहे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स का स्क्वायर का टू एक्स, सिर्फ एक ही एक्स है ना। बाद में आप देखो ना डब्ल्यू जो है मैं और चेंज कर लेता हूँ, देखो अभी डब्ल्यू जो है उसको एक्स से कर रहे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, ओके ये क्लियर हो गया। अभी जैसे हम लोग W को Y से करें तो Y स्क्वायर का क्या होगा, Y स्क्वायर का 2Y होगा, ओके। अब ये यहाँ पर Y है तो Y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस टू जेड आएगा, तो क्लियर ना। और W को Z से करें, Z स्क्वायर का क्या होगा 2Z है ना, और Z से करें तो Z का हो गया 1, तो क्या रहेगा 2Y, सो दिस इज़ द वैल्यू, ओके। अभी आपको पता है, ओके एक स्टेप देखो कैसे हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया है ना, यहाँ से जो है यहाँ से टू कॉमन आ सकता है, ओके तो टू बाहर निकल गया, तो टू बाहर निकला तो अभी आपके सामने इस तरह दिखेगा वैल्यूज, ओके यह है।
अभी टू तो निकल गया, देखो यहाँ वाई माइनस जेड, यहाँ पर जेड माइनस वाई है, तो उसको मैं माइनस निकाल लेता हूँ, वाई माइनस जेड आ गया, क्लियर हो रहा है। देयरफोर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कॉलम नंबर थर्ड है ना, उसको मैं माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो माइनस सी थ्री लिखा। तो जैसे माइनस करता हूँ तो ऊपर का जो माइनस था, ये इधर माइनस वाले थे वो प्लस हो जाएंगे, और प्लस वाले हो जाएंगे माइनस, सो वन माइनस वन और वाई माइनस जेड आ गया। ओके नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग सी टू माइनस सी थ्री। ओके सो सी टू माइनस सी थ्री अगर आप करोगे, मतलब ये सी टू और ये सी थ्री अगर आप उनका माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ज़ीरो, और अगर डिटरमिनेंट में एक कॉलम अगर कंप्लीट ज़ीरो होता है तो उसका आंसर लिखना होता है आपको ज़ीरो। ठीक है, सो ये कंप्लीट ज़ीरो करो या किसी को मल्टीप्लाई करना करो तो आंसर ज़ीरो आएगा, वो होता है फंक्शनली डिपेंडेंट। रिलेशन निकालना, अभी रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दोगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, यू प्लस वी कर रहे हैं। ठीक है, तो यू का वैल्यू पूरा लिखा जाएगा और बाद में वी का वैल्यू लिख दिया है, सो बहुत सारी प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड जाता है, एक्स प्लस एक्स होता है टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आता है, एक्स का वैल्यू आता है यू प्लस वी डिवाइड बाई टू। वैसे यू माइनस वी कर, यू माइनस वी करोगे तो आपको मिलता है यू माइनस वी इज इक्वल टू वाई माइनस टू जेड मिलता है। ओके आप टू कॉमन निकाल लोगे, ओके बाद में टू डिवाइड करोगे तो y माइनस जेड का वैल्यू क्या मिल रहा है, u माइनस वी डिवाइड बाई टू। ओके रिलेशन थोड़ा बड़ा है, अभी आप देखोगे तो मैं u प्लस वी बाई टू ब्रैकेट स्क्वेयर u माइनस वी बाई टू ब्रैकेट स्क्वेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू जो टर्म है उनका भी स्क्वेयरिंग हो गया है RHS में। ठीक है, a प्लस वी ब्रैकेट स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए वी प्लस बी स्क्वेयर करना होता है, तो यू स्क्वेयर प्लस टू यू वी प्लस वी स्क्वेयर लिख दिया डिवाइडेड बाई फोर। सेम ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो यू माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर को लिखा जा रहा है इस तरह, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वेयर हो जाता है। ओके एलसीएम अगर देख रहे हो तो फोर दिख रहा है, ऊपर सबका एडिशन हो जाएगा है ना, बाद में प्लस टू यू वी माइनस टू यू वी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर टू यू वी, यू स्क्वेयर प्लस टू वी स्क्वेयर आता है डिवाइडेड बाई फोर। आर एच एस में देखोगे तो आपको अभी समझना चाहिए कि पूरी वैल्यू डब्ल्यू की है, तो है ना डब्ल्यू की है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, ये पूरा W लिख दिया, ओके और इसका हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं, समझो आप लोग हम सॉल्विंग क्या कर रहे हैं, टू यहाँ से टू हमारा बाहर आ गया कॉमन, सो टू इंटू यू स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू आता है, टू वन जा टू टू जा, देयर फोर ये टू अगर इधर जाएगा तो यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू डब्ल्यू रहता है। आ रहे समझ में, सो ये होता है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सिक्स की तरफ जाएंगे हम लोग, एग्जाम्पल सिक्स क्या दिया है। ठीक है, एग्जामाइन, अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल सिक्स, एग्जामाइन फंक्शनल डिपेंडेंस, u इज इक्वल टू आपको x और y में वो समझना है, v इक्वल टू दिया है आपको x और y में, इफ फंक्शनल डिपेंडेंट है ओके तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अभी आपका एकदम स्पीड बढ़ना चाहिए, हमने पिछले पाँच एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, J इज इक्वल टू डैबा यू वी बाई डैबा एक्स वाई कर दिया, डैबा यू बाई डैबा एक्स आएगा, डैबा यू बाई डैबा वाई आएगा, डैबा वी बाई डैबा एक्स, डैबा वी बाई डैबा वाई। ओके नाउ व्हाट विल डू, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो आपको एक साथ समझना है। U इज इक्वल टू लिखा है मैंने एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या यू अपॉन वी होगा, तो डिनोमिनेटर का पहले लिख लिया हमने एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई लिखा है। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन, और वाई का जीरो, माइनस एक्स माइनस वाई लिखा है ना, मतलब सेकेंड टर्म, और एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का होगा वन और वाई का जीरो, बाकी आगे क्या होगा देखेंगे। देयरफॉर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर मैंने लिख दिया है, ऊपर का अगर देखोगे तो एक्स प्लस वाई लिखा है, माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या आता है, माइनस एक्स प्लस वाई आ रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स जाएगा, वाई प्लस वाई कितना होता है, टू वाई होता है। ओके देयरफॉर डबल यू बाई डबल क्या आता है, टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, नाउ डबल यू बाई डबल वाई करना है, समझ रहे, डबल यू बाई डबल वाई करना है, सेम एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया, एक्स प्लस वाई लिखा है, एक्स का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है जीरो होगा, और माइनस वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस वाई, इसलिए लिखा है माइनस वन। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई न्यूमरेटर लिख दिया, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉन्स्टेंट है ना जीरो, और वाई का क्या होगा वन, इसलिए लिखा है यहाँ पर वन, आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई आया, ओके माइनस एक्स माइनस वाई आया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे ब्रैकेट में, तो माइनस एक्स प्लस वाई हो गया, सो माइनस वाई प्लस वाई जाएगा, माइनस एक्स इज माइनस टू एक्स, एंड दिस इज द वैल्यू। ओके आगे डैबा वी बाई डैबा एक्स भी निकाला है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ डायरेक्टली कर दिया, अभी यहाँ से आप डायरेक्ट समझ सकते हो है ना,
वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है, ओके। सो डाबा वी बाय डाबा एक्स करना है हम लोगों को, ओके। तो आपको एक हिंट देता हूँ, देखो वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है। मान लो अगर हम लोग एलसीएम सेपरेट करते तो क्या आएगा, एक्स अपॉन एक्स वन आएगा प्लस वाई बाय एक्स आएगा, है ना। अभी आप डिफ्रेंशिएट करो, v का डेरिवेटिव अगर आप लोग x से करोगे तो 1 का कांस्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और y बाय x से तो y तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू लिख दिया। वैसे ही आप लोग v को अभी y से करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, बराबर है। और y का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू y आना चाहिए 1 आना चाहिए, समझ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू आएगा 1 अपॉन x रहेगा, ओके। नाउ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखने मिलेगा, तो इस तरह हमारी वैल्यूज आएगी, ओके। देयरफॉर j इज इक्वल टू आता है 0, ओके। डाबा यू वी बाई डाबा एक्स वाई का आंसर आता है 0, इसलिए हम लोग बोलते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। नाउ रिलेशन यू वी प्लस वी कर रहे, तो u का वैल्यू क्या लिखा है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, v का वैल्यू x प्लस वाई अपॉन एक्स, प्लस वी का वैल्यू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एल सी एम लोगे तो एक्स आ रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, सो माइनस वाई प्लस वाई जाएगा, एक्स प्लस एक्स टू एक्स होता है, एक्स एक्स कैंसिल, देयरफॉर हमें वैल्यू मिलता है 2। ये वी अगर आर एच एस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यू वी इज इक्वल टू 2 माइनस वी, एंड दैट इज नथिंग बट द आंसर, क्लियर। अभी वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको दे रहा हूँ, आपको वो आना चाहिए। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर फंक्शनली डिपेंडेंट, अगर है देन द रिलेशन निकालो। तो आप इसी तरह ऑलमोस्ट 100% ऐसा होगा कि 0 ही आएगा, आप लोग रिलेशन करोगे। तो ऐसे आपको अगर एग्जाम्पल देखने ना, 8 एग्जाम्पल बहुत हो गए, अगर आपको करना ही है तो आप क्या करोगे, बुक में देखोगे और रिलेशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस आप अंडरस्टैंडिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनों को लर्न कर लो, ठीक है। मतलब जब आप 2-3 कर लेते हो ना एग्जांपल सॉल्व करते, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये कैंसिल हो सकता है, इसका इंटू हो सकता है, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये आइडिया आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कभी समझते हैं, ऐसा नहीं होता है, कंसेप्ट एक बार आ गया तो आपको सब आ गया। एग्जाम आई ने सेम है, अभी आप यू वी डब्ल्यू देख रहे हो तो आता है फंक्शनल डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मेन फंक्शनल डिपेंडेंट, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2w, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक आपका फंक्शनल डिपेंडेंट क्लियर होता है, 6 मार्क्स का टॉपिक है जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अगले लेक्चर को अभी आप लोग अटेंड करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।